दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। पद्मावत फैंस अब जाकर आखिरकार चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्मावत का ऐसी तस्वीर जो आपको बहुत ज्यादा खुश कर देगा और ये सुकून दे देगा कि अब आप फिल्म देख सकते हैं। ये रहा पद्मावत का सेंसर सर्टिफिकेट और यकीन मानिए इस समय संजय लीला भंसाली की टीम के लिए ये सर्टिफिकेट का सी जंग जीतने जैसा ही है, वरना तो वाकई उनकी पूरी टीम को जौहर करना पड़ जाता। पद्मावत काफी जद्दोजहद के बाद रिलीज हो रही है, इसलिए फिल्म के प्रति जहां लोगों का उत्साह है वहीं संजय लीला भंसाली के प्रति सहानुभूति भी। ये दोनों ही बातें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अच्छा असर डालेंगी। देखना यह है कि पद्मावत साल की पहली ब्लॉकबस्टर बनने के लिए बॉक्स ऑफिस पर क्या क्या मशक्कत करती है। बिना किसी प्रमोशन पद्मावती को सीधे सिनेमाघरों में देखिए 25 जनवरी को। जानिए और किन किन फिल्मों को धर्म और क्षेत्र के नाम पर सहनी पड़ी काफी दिक्कतें। बजरंगी भाईजान, पहले अफवाहें उन्हीं की फिल्म लव जिहाद पर बनी है, इसके बाद फिल्म के नाम से भाईजान हटाने की डिमांड की गई क्योंकि बजरंगी के साथ भाईजान किसी को कबूल नहीं है। पीके के एक सीन में आमिर खान अपने ऊपर स्टिकर चिपकाते हैं, एक सीन में शिव की कॉस्ट्यूम में दौड़ जाते हैं और इन सब बातों से बल्कि पूरी फिल्म से लोगों को काफी आपत्ति थी। बाजीराव मस्तानी की कहानी को लेकर लोगों ने काफी विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ मस्तानी के किरदार को भी कई लोगों ने इतिहास की बेइज्जती करना बताया। रामलीला फिल्म के नाम को लेकर इतना विवाद हुआ कि फिल्म का नाम रामलीला से बदलकर गोलियों की रासलीला रामलीला रखा गया। उड़ता पंजाब फिल्म को लेकर पंजाब में काफी गहमागहमी हुई और फिल्म को बैन करने की डिमांड की गई। खुद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास ना करने की कोशिश की, उसके बाद फिल्म की सेंसर कॉपी लीक हो गई। जोधा अकबर फिल्म में जोधा बाई के किरदार को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया गया। दिलचस्प ये है कि ऐसा ही एक सीरियल भी आया लेकिन उस पर किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हैदर फिल्म को लेकर जम्मू कश्मीर में काफी विरोध हुआ। विश्वरूपम तमिल में मुस्लिमों ने फिल्म का भरपूर विरोध किया था। ओह माय गॉड फिल्म ने हिंदू धर्म और आस्था पर काफी सवाल उठाए थे और इसका काफी विरोध किया गया था। वॉटर फिल्म को धर्म के विरुद्ध बताया गया, फिल्म विधवाओं के साथ क्रूर प्रथा और उन पर हो रहे अत्याचार की कहानी थी। फिल्म का इतना विरोध हुआ कि दीपा मेहता को फिल्म दूसरे नाम से श्रीलंका में शूट की गई। मद्रास कैफे फिल्म का तमिल ग्रुप्स ने काफी विरोध किया है। माय नेम इज खान शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म का कई कारणों से विरोध किया गया। दोस्तों अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।